ਸਾਰ ਪੈਲੇਟਿੰਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਟੂਟ ਟੂਟ ਕੇ ਸ਼ੁਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈ ਪਰ ਯਾ ਪੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟ 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 ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਕੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ जो स्क्रीनिंग के पेशेंट आते हैं हमारे इलाकों से यहाँ से मेरा गांव 20 किलोमीटर दूर है टोटली आगे के खुजरा उनको ये कहा जाता है कि ये सिर्फ शुजाबाद की प्रॉपर आबादी के लिए ना आपके हम PCR या इस तरह टेस्ट नहीं कर सकते आप मुल्तान का इसका शायद में उनको वो यानी ये उनसे आप ये कितनी बड़ी ज्यादती है ये यहाँ जो शहर वाले हैं उनको तो ये सहूलत दी जाए और दूर यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर पास का तय कर आना है और उनको कहा जाए कि यहाँ पर ये सहूलत आपके लिए नहीं है आप मुल्तान में सब की उनके या लेकिन उनके पास शहर के इस किस्म का आर्डर जा रहा है फंड्स की भी कमी होगी फंड्स की कमी होगी यही फंड्स का है कि फंड तो फंड है जाना बड़े शहरों में घर गुजर जरूरत ये है कि तहसील लेवल और रूरल हेल्थ सेंटर के लेवल के ऊपर जो है फंड दिए जाए यहाँ पे जो है पोस्ट क्रिएट की जाए यहाँ पे जो है अमला दिया जाए ताकि डॉक्टर साहब जैसे लोग जो है और बेहतर काम कर सकें अब वो क्या करें देखिए गुर्बत इतनी है फंड्स की कमी है सुनियाट ठीक नहीं है और फिर ये कहा जाता है कि जनाब हम बताए कि यहाँ पे आप जादू की जड़ी की जाँच कराना हर चीज़ को ठीक कर दें तो जैसे आप शाह साहब कह रहे हैं कि काली दो हाथ से बनती है तो काली दो वसायल से रिसोर्सेज से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए और फिर परफॉर्मेंस ली जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने न्यूट्रिशन के इशू को बेहतर ना किया तो मुस्तकबिल के अंदर जो हमारी आगे बाकी नस्लें हैं ना वो सही तरह से पढ़ सकेंगी ना कारोबार कर सकेंगी ना मेहनत कर सकेंगी और हमारे पूरे मईशत को जो है इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को अगले 15-20 साल के अंदर क्योंकि पिछले 10-15 सालों में सेहत के ऊपर और खुराक के ऊपर पर कोई जो है प्रायोरिटाइजेशन ही नहीं हुई है तो सड़कें तो बहुत अच्छी चीज़ जो बात की माशाल्लाह तुम मुल्तान से आए हो इतनी खूबसूरत सड़क जो है ना मैं बड़ा परेशान हुआ देख के मैंने कहा माशाल्लाह जो है ना इतनी ज़बरदस्त सड़क है बट जब मैं तहसील हेडक्वार्टर आया और वो मैंने सामने वाली बिल्डिंग भी दी है मुझे बड़ा दुख हुआ है उसके ऊपर हमने अरबों रुपये लगा दिए और इसके ऊपर जो है ना हमने करोड़ रुपये भी लगाने की कोशिश की तो अगर उसमें से थोड़े से करोड़ रुपए 5-10 करोड़ रुपए बचा के इधर लगा देते और सड़क भी अजीब बन जाती तो इससे कम अज कम जो शुजाबाद तहसील की जो आबादी है मेरे गांव में डॉक्टर साहब जो है ना उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है खासतौर पर गरीब को यहाँ पे एक और बड़ा बहुत बड़ा मसला है पानी का पानी इस वक्त हमारे इलाकों में जो है वो बहुत इंटेंस वाटर है और उसको पीने के लिए अनफिट करा रहे हैं उसके लिए तो आप लोगों ने साफ पानी की कंपनी बनाई थी ना जिसने 5-5 करोड़ की जो है ना लैंड ली थी अपने अमले के लिए माशाल्लाह से 8 तो वो तो फिर 40 करोड़ रुपया तो साफ पानी की जगह गाड़ियों पे लगाए ना सर और उसके अलावा उन्होंने सुना है कि 150 और गाड़ियाँ ली थी तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये जो है ना गाड़ियों पर लगा दिया तो साफ पानी का तो कुछ नहीं होना था वो तो गाड़ियाँ और लोगों के घरों में खड़ी हुई खड़ी तो डॉक्टर साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर बहुत मेहरबानी के हवाले से भी कोई काम हो रहा है यहाँ मदर एंड चाइल्ड की कोई गाय नहीं है चला वो तो इस वहाँ पे कोई होगा अगर हम हाँ दे दे से भी हमारा अच्छा लगा जब हम बात कर लेते तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अगर अपना टाइम लगा था और जो है ना अल्लाह करे इस नए पाकिस्तान में हुकूमत को ये तो एहसास हो गया कि जी ज़रूरत है कि हम सेहत की तरफ तवज्जो दें ज़रूरत है कि हम माँ और बच्चे की तरफ तवज्जो दें ताकि हमारी आने वाली नस्लें बेहतर हों और सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया